हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जुलाई महीना चमत्कारों का महीना होगा और परमेश्वर ने मुझे कहा कि अभी वीडियो बनाकर लोगों के लिए प्रार्थना कर और जो कोई भी इस प्रार्थना को सुनेगा उसकी लाइफ में चमत्कार होगा, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरे धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर कहता मैं बहुत लोगों के जीवन में चमत्कार करना चाहता हूं, उन लोगों के लिए प्रार्थना कर और ये प्रार्थना को हजारों लोग देखेंगे, बल्कि लाखों लोग तक वो फैल जाएगी और लोग अपने जीवन में चमत्कारों को देखना शुरू कर देंगे। जो भी इस वीडियो को ऑन करेगा और देखेगा और जिसको भी ये वीडियो सेंड की जाएगी और वो इस प्रार्थना को ग्रहण करेगा उसकी लाइफ में चमत्कार होने लगेंगे और जैसे ही लोगों की लाइफ में वो चमत्कार होगा वो लोग इस वीडियो को आगे शेयर करेंगे अपने रिश्तेदारों में, लोगों में, और जैसे जैसे लोग देखते जाएंगे लोगों की लाइफ में चमत्कार होते जाएंगे। आप खुद महसूस करके देखना, जैसे आप इस प्रार्थना को सुनेंगे आपकी लाइफ में चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे, चंगाइयां होगी, छुटकारे होंगे, उद्धार होएगा, भविष्यवाणी का आत्मा उतरेगा, वरदान उतर आएंगे, अभिषेक उतर आएगा, आप आग से भर जाओगे, आप अन्य भाषा बोलने लगोगे, आप वरदानों से भर जाओगे, आप प्रभु की से भर जाओगे, आप परमेश्वर की महिमा को देखोगे, उपस्थिति को देखोगे, चमत्कारों को देखोगे, हैरान करने वाले काम होंगे और आप जान जाएंगे इस प्रार्थना के कारण ये हुआ है जो मैंने ग्रहण की है। तो क्या आप इस प्रार्थना के लिए तैयार हैं? क्या आप विश्वास करते हैं कि सचमुच परमेश्वर चमत्कार करने जा रहा है? आपको बस बिलीव करना है इस प्रार्थना को सुनते ही मेरे जीवन में चमत्कार हो चुका है। आपको और कुछ नहीं करना, बस विश्वास से प्रार्थना को ग्रहण करना है, यीशु के नाम में इस प्रार्थना को ग्रहण करना है, बस विश्वास करना है कि मुझे मेरा चमत्कार मिल चुका है। बस उसी विश्वास पर खड़े रहना और तुम देखोगे जो काम अब तक नहीं हुए वो हुएगे। प्रार्थना सुनते ही अपने आप को चेक करना और देखना उन हिस्सों को जो काम करने, जो चमत्कार को ग्रहण करने जा रहे हैं। ये सब अपनी आंखों को बंद कर लो और अब ले लो उस चमत्कार को यीशु नासरी के नाम में। मैं बीमारी के बिस्तर में से लोगों को उठने का चमत्कार की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं उनकी गरीबी से छुटकारे की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं उनके उस पाप से निकल जाने के चमत्कार की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस नशे से तुझे छूट जाने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस डिप्रेशन से तुझे आजाद होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस पागलपन से आजाद होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस बांझपन से तुझे आजाद होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस उदासी से तुझे आजाद होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस गुप्त रोग से तुझे चंगा होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं इस उस व्यभिचार के बंधन से आजाद होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं उस कर्जों को दूर होने की घोषणा करता हूं। मैं तेरे उस घर बन जाने की घोषणा करता हूं। मैं तेरी उस जॉब मिलने के लिए घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे बिजनेस को आशीषित होने के लिए घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में आशीष की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में बेबी ब्लेसिंग की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में एक बड़ा आश्चर्यकर्म की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में सामर्थ की घोषणा करता हूं। मैं तेरे जीवन में अभिषेक को रिलीज करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरी सेवकाई को बढ़ने के लिए ब्लेस करता हूं। मैं तेरे सारे जो सेवकाइयों के कर्जे और उन गटियों को दूर होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में उस मैरिज के होने की घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। मैं तेरे जीवन में उस लड़ाई झगड़े को, उस क्लेश को खत्म होने की घोषणा करता हूं। मैं तुझे शांति से भर जाने की तेरे जीवन में घोषणा करता हूं यीशु नासरी के नाम में। अपनी सामर्थ्य से नहीं, अपनी ताकत से नहीं, यीशु के नाम में मैं तेरे जीवन में चमत्कार की घोषणा करता हूं। हर वो हिस्सा जिसमें तुम चमत्कार चाहते हो मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं।
मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं तेरी उस एलर्जी की बीमारी से चंगा होने के लिए। मैं चमत्कार की घोषणा करता हूं तेरी किडनियों पर, तेरे लीवर पर, तेरे बैक पेन पर, तेरे सर्वाइकल के दर्द पर, तेरी पीठ के दर्द पर, तेरे घुटनों के दर्द पर, जो लंगड़ा है वो चले यीशु मसीह के नाम में, जो अंधा है वो देखे यीशु मसीह के नाम में, जो बहरा है वो सुने यीशु मसीह के नाम में, जो गूंगा है वो बोले यीशु मसीह के नाम में, जो कैंसर का रोगी है वो चंगा हो जाए यीशु मसीह।